फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी क्रिकेट जगत में बॉल के नाम से जाने जाने वाले राहुल द्रविड़ के बारे में। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। अक्टूबर 2005 में वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किए गए और सितंबर 2007 में उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। वे दुनिया के अनुभवी क्रिकेटरों में से एक हैं। विश्व टेस्ट क्रिकेट में उन्हें दीवार की उपाधि से मशहूर राहुल द्रविड़ को 2000 में 5 विस्टिंग क्रिकेटरों में से एक के रूप में ही सम्मानित किया गया था। लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें दीवार के रूप में जाना जाता है। द्रविड़ ने क्रिकेट की दुनिया में बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। द्रविड़ बहुत शांत व्यक्ति हैं। दीवार के रूप में लोकप्रिय द्रविड़ पिच पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए जाने जाते हैं। द्रविड़ को 2004 के उद्घाटन पुरस्कार समारोह में इस वर्ष के ICC प्लेयर और वर्ष के टेस्ट प्लेयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के बाद वे तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से भी अधिक रन बनाए हैं। राहुल द्रविड़ का पूरा नाम राहुल शरद द्रविड़ है। इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश के मराठा परिवार में 11 जनवरी 1973 को हुआ। उनके पैतृक पूर्वज थंजापुर तमिलनाडु के अयर थे। वे बेंगलोर कर्नाटक में बड़े हुए हैं। वे मराठी और कन्नड़ बोलते हैं। विजय उनके छोटे भाई हैं। दोनों भाई एक साधारण मध्यम वर्ग के माहौल में बड़े हुए हैं। द्रविड़ के पिताजी ई इलेक्ट्रिक के लिए काम करते थे। यह एक कंपनी है जो अचार और जैम बनाने के लिए जानी जाती है, इसलिए सेंट जोसेफ हाई स्कूल बेंगलोर में उनकी टीम के सदस्यों ने उन्हें जैमी उपनाम दे दिया। उनकी माँ पुष्पा बेंगलोर विश्वविद्यालय में वास्तुकला के प्रोफेसर थी। राहुल द्रविड़ के कर्नाटक के सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेंगलोर से डिग्री प्राप्त की। राहुल ने नागपुर की एक सर्जन डॉक्टर विजिता पेंधाकर से शादी की और इनके अब 2 पुत्र समित और अन्वय हैं। राहुल द्रविड़ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 12 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी। अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 के स्तर पर उन्होंने स्टेट का प्रतिनिधित्व किया। राहुल की प्रतिभा को एक पूर्व क्रिकेटर की तारापुरे ने देखा, जो कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक प्रशिक्षण शिविर में कोचिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी स्कूल टीम के लिए शतक बनाया। यही उनकी जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुआ। राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग भी कर रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने पूर्व टेस्ट खिलाड़ियों गुंडप्पा विश्वनाथ, रोजर बिन्नी, ब्रिजेश पटेल और तारापुर की सलाह पर विकेट कीपिंग बंद कर दी। 1991 में उन्हें पुणे में महाराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी की शुरुआत करने के लिए चुना गया। साथ ही भावी भारतीय टीम के साथ अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ ने 7वीं स्थिति में खेलते हुए बल्लेबाजी के बाद एक ड्रॉ मैच में 82 का स्कोर बनाया। उनका पहला पूर्ण शस्त्र 1991-92 में था, जब उन्होंने 63.3 के औसत पर 380 रन बनाकर 2 शतक बनाए और दिलीप ट्रॉफी में उन्हें दक्षिण जोन के लिए चयनित किया गया। द्रविड़ के अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत एक निराशाजनक तरीके से हुई, जब मार्च 1996 में विश्व कप के ठीक बाद सिंगापुर में सिंगल कप के लिए श्रीलंका की क्रिकेट टीम के खिलाफ एक दिवसीय मैच खेलने के बाद उन्हें विनोद कामली की जगह लिया गया। विश्व स्तरीय मैच में राहुल महज 3 रन में मुथैया मुरलीधरन की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट आए। हालांकि अपनी फील्डिंग का अच्छा प्रदर्शन करते हुए उन्होंने इसी मैच में 2 कैच पकड़े थे। इसी तरह अपने दूसरे एक दिवसीय मैच में भी उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा, जिसमें ये पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 4 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद उन्हें टीम से हटा दिया गया और फिर से इंग्लैंड के दौरे के लिए चुना गया। राहुल द्रविड़ ने सौरभ गांगुली के साथ इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शुरुआत की, जब इसी दौर में पहले टेस्ट मैच के बाद संजय मांजरेकर घायल हो गए। इस समय राहुल द्रविड़ को मौका मिला, उसमें उन्होंने 95 का स्कोर बनाया और मांजरेकर की वापसी पर 84 का स्कोर बनाते हुए तीसरे टेस्ट के लिए अपनी इस स्थिति को बनाए रखा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के बाद द्रविड़ ने 1996 से 1997 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भी इस स्थिति को बनाए रखा। उन्होंने जोहान्सबर्ग में तीसरे टेस्ट के में तीसरे नंबर पर खेलते हुए 148 और 81 के साथ अपना पहला शतक बनाया। प्रत्येक पारी में उनका स्कोर अधिकतम था, जिससे उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिलाया। इसी के साथ क्रिकेट विशेषज्ञों और आम क्रिकेट प्रेमियों पर इनकी तरफ ध्यान आकर्षित।
उन्होंने 1996 में सहारा कप में पाकिस्तान के खिलाफ पहला अर्धशतक बनाया। इस मैच में उन्होंने अपने 10वें मैच में 90 का स्कोर बनाया। 1998 के मध्य में इन 18 महीनों के समाप्ति तक उन्होंने एक श्रृंखला वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली, एक श्रृंखला श्रीलंका के खिलाफ खेली और एक घरेलू श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली। उन्होंने लगातार 56.7 के औसत पर 964 रन बनाए। उन्होंने 11 अर्धशतक लगाए लेकिन इसे ट्रिपल आंकड़ों के बदलने में समर्थ नहीं कर पाए। इसके बाद इनकी भारतीय टीम में जगह फिक्स हो गई और कई रिकॉर्ड बनाए। वे एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने विश्व कप में 2 बैक टू बैक शतक बनाए। उन्होंने केन्या के खिलाफ 110 रन बनाए और इन्होंने इसके बाद टाउनटन में एक मैच में 145 रन बनाए, जहां बाद में उन्होंने विकेट कीपिंग की। 2003 में विश्व कप के दौरान वे उपकप्तान रहे जिसमें भारत फाइनल तक पहुंचा। उन्होंने अपनी टीम के लिए दोहरी भूमिका निभाई, एक बल्लेबाज की और एक विकेट कीपर की, एक अतिरिक्त बल्लेबाज का काम भी किया। भारत के लिए यह बहुत फायदेमंद की बात है कि द्रविड वेस्टइंडीज़ में 2007 के विश्व कप में कप्तान रहे, जहां भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इस विश्व कप भारत में भारतीय टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच पाई। 2012 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। इस दौरान वे आईपीएल में राजस्थान टीम के कप्तान बने रहे। 2013 आईपीएल के बाद उन्होंने T20 क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। उनके नाम पर कई सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। राहुल द्रविड को इंडियन क्रिकेट में दिए गए अपने योगदान और प्रतिभा के कारण कई सम्मान और पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, जिनमें कुछ प्रमुख पुरस्कार निम्न हैं। 1998 में अर्जुन पुरस्कार, 2000 में वेस्टर्न क्रिकेट ऑफ द ईयर, 2004 में पद्मश्री, 2013 में पद्म भूषण, 2014 में पद्म विभूषण। इसके अलावा सर गर्लिफ अवार्ड, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर आदि पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अभी राहुल द्रविड ओवरसीज बैटिंग कंसल्टेंट हैं इंडियन टीम के एंड ऑल्सो हेड कोच हैं अंडर 19 एंड ए टीम के। राहुल द्रविड का एक फेमस कोट है जिसमें वो कहते हैं, यू डोंट प्ले फॉर रिवेंज, यू प्ले फॉर रिस्पेक्ट एंड प्राइड। वाकई उन्होंने इस बात को सच कर दिखाया। सो एट द एंड, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई FB पेज की, अगर आप हमसे फेसबुक से कनेक्टेड होना चाहते हैं तो ज़रूर होए। धन्यवाद।